कोई आदमी इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? 6 साल की पूनम और 4 साल की लाली अपनी सबसे छोटी बहन गुंजा, जो उनकी गोद में थी, उसको रोते हुए देख यही सोच रही थी। वे दोनों बार बार उस दवा दुकानदार के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन उस दुकानदार के सीने में दिल तो था ही नहीं। उसने एक थप्पड़ खींचकर पूनम को मारा और कहा, अरे तुम लोगों को प्यार से कह रहा हूँ तो बात समझ नहीं आ रही है क्या? भागती हो कि नहीं यहाँ से? साहब थोड़ी तो दया दिखाइए, मेरी छोटी बहन बहुत बीमार है। ये देखिए ना, इसका सिर कितना गर्म है। ऐसा लगता है कि कोई गर्म दबाव। साहब एक बुखार की गोली दे दो ना, हम वादा करते हैं आपके पैसे जरूर दे देंगे। कब? अगले जन्म में? तुम लोग भिखारियों का यही है, मांग कर खाना खाओ, मांग कर दवा खाओ, सब कुछ तुम लोग मांग कर ही करते हो। अरे तुम लोग जन्म ही काहे लेते हो धरती पर? धरती के बोझ हो तुम लोग, बोझ। अब 1 मिनट के अंदर मेरी नजरों से और मेरी दुकान से दूर हो जाओ, नहीं तो मार मार के होश ठिकाने लगा दूंगा। लेकिन पूनम और लाली पर उस दुकानदार की बातों का कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने फिर से हाथ जोड़कर बुखार की दवा देने की प्रार्थना की। इस बात पर वो दुकानदार काफी चिढ़ गया और उसने एक मच्छर मारने वाली दवा निकाली और उसका स्प्रे उन बच्चियों के मुंह पर कर दिया। तुम लोग बातों से नहीं मानोगे, हाँ? ये लो, अब तुम्हें पता चलेगा। पूनम और लाली ने गुंजा की आंखों को तो बचा लिया, लेकिन मच्छर का वो स्प्रे उनकी आंखों में चला गया। उनकी आंखों में तेज जलन होने लगी और वे दोनों दर्द से चीखने लगे। आ, 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 पूनम दीदी, बहुत जल रही है मेरी आंखें, बहुत जल रही है। अब भागोगी ना तुम लोग? उतनी देर से कह रहा था, सुन नहीं रही थी। वे तीनों आंखें मलते हुए वहां से निकल गए, लेकिन आंखों की जलन बिल्कुल कम नहीं हुई। उधर गुंजा का बुखार बढ़ता ही जा रहा था। पूनम और लाली को आज अपने मृत माता पिता की बहुत याद आ रही थी। अरे अम्मा, तुम रसोई में ऐसा क्या बना रही हो? आंखों में भी जलन हो रही है और खांसी खांसी भी। अरे तुम दोनों बहनों और तुम्हारे पिताजी ने तो कहा था कि तड़के वाली दाल खानी है, वही बना रही हूँ, लेकिन लगता है छौंक लगाने में मिर्च कुछ ज्यादा ही जल गई। तुम भी ना माँ। अरे जाकर आंखें ठंडे पानी से धो ले, और एक काम कर, बाहर से जाकर लक्ष्मी का थोड़ा सा गोबर ले आ, मैं उसका लेप बना देती हूँ, उसे पलकों के ऊपर रख लेना, बहुत ठंडक लगेगी। लाली बाहर अपनी गाय लक्ष्मी के पास गई। लक्ष्मी उसे देखकर जोर जोर से रंभाने लगी। ऐसा लगा कि वो उससे कुछ शिकायत कर रही हो। अरे माफ कर दे, वो आज स्कूल का बहुत सारा काम था ना, इसीलिए तेरे साथ खेलने नहीं आ सकी। सुन ना, मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है, थोड़ा गोबर लेकर जा रही हूँ, अम्मा ने कहा है कि इसका लेप पलकों के ऊपर लगाने से राहत मिलेगी। लाली गोबर लेकर घर के अंदर आ गई और अपनी माँ को उसका लेप बनाने को कहा। वो ये बोल ही रही थी तभी पूनम अपने पिता के साथ खेत से वापस आ गई। उसके हाथों में ढेर सारे भुट्टे थे जो उन्होंने अपने खेत से तोड़े थे। उसने माँ और लाली की बात सुन ली थी। अम्मा, ये हमारी लक्ष्मी का गोबर कितने काम का है ना, इसे आंखों पर भी लगा लो, बुखार हो तो बदन पर इसका लेप लगा लो, और गोबर के उपले बनाकर उस पर इन भुट्टों को भी सेक लो। सुन ना माँ, जल्दी से ये भुट्टा सेक कर देना। पहले से ही मुझे कितना काम है, मुझसे ये भुट्टे नहीं सीखेंगे। अरे तो रसोई संभाल, मैं उपलों पर भुट्टों को सेक देता हूँ। बाबा आप सीखिए, मैं तब तक लक्ष्मी को कुछ भुट्टे खाने के लिए देकर आती हूँ। पूनम के पिता अपने खेतों में भुट्टे और गन्ने उगाया करते थे, बहुत उपजाऊ भूमि थी उनकी। अब जब खेत उपजाऊ थे तो फसल भी खूब होती थी, उन फसलों से अच्छी कमाई हो जाया करती थी। ऊपर से लक्ष्मी के दूध को बेचकर भी अच्छे पैसे मिल जाते थे। लक्ष्मी बहुत ही दुलारी थी उन लोगों की, वो उनके परिवार के सदस्य की तरह ही थी। जब से उसके पिता लक्ष्मी को इस घर में लाए थे तब से उनकी तरक्की कई गुना बढ़ गई थी। पहले कहां वो दूसरों के खेतों में काम किया करते थे और अब उनके पास अपना ही बहुत सारा खेत था। लेकिन उनके खेत पर उनके ही चाचा की नजर थी। उसका चाचा बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी था। मुझे किसी तरह इनका ये खेत और इनकी गाय को अपने कब्जे में लेना है। बहुत तरक्की हो रही है इनकी, इनकी सारी तरक्की मैं निगल जाऊंगा, जैसे कोई अजगर अपने शिकार को निगलता है। एक बार पूनम के चाचा ने धोखे से पूनम के पिता का अंगूठा जमीन के कागज पर लगवा लिया और जमीन अपने नाम करवा ली और उनके पिता को नदी में धक्का दे दिया। लोगों को लगा कि नदी में गिरने से उनकी मौत हो गई है। कुछ दिन बाद उसके चाचा जमीन के कागज लेकर उनके घर जा पहुंचे। ये आप क्या कह रहे हैं देवर जी, भला उन्होंने ये जमीन आपके नाम क्यों कर दी? मुझे क्या पता क्यों कर दी, बस इतना पता है कि ये जमीन और घर लक्ष्मी अब मेरी है, और
मुझे अपनी चीज वापस चाहिए। निर्दयी चाचा ने उन सभी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया और उनका सब कुछ हथिया लिया। वे सड़क पर आ गए। पूनम की माँ को इस बात का इतना शौक लगा कि वो पागल हो गई और एक दिन उसने गाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। तीनों बच्चियाँ अनाथ हो गईं। उन्हें पता तो था कि ये सारा किया धरा उसके चाचा का है, लेकिन वो छोटी बच्चियाँ क्या कर सकती थी। पूनम और लाली सड़क किनारे अपनी छोटी बहन को गोद में लिए पुराने दिनों के बारे में सोच रही थी। तभी उनके कानों में एक गाय के रंभाने की आवाज आई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो ये उनकी गाय लक्ष्मी थी, लेकिन वो बहुत घायल अवस्था में थी। उसकी पीठ से खून निकल रहा था। अरे दीदी, ये तो हमारी लक्ष्मी है। लक्ष्मी, तू कैसे आ गई यहाँ हमारे पास, और ये तेरी पीठ से खून कैसे निकल रहा है? किसी ने तुझे मारा क्या? असल में इन बच्चियों के चाचा ने लक्ष्मी को भी हथिया लिया था। उसे लगा था कि वो इसका दूध बेचकर भी खूब सारे पैसे कमाएगा, लेकिन लक्ष्मी ने तो दूध ही देना बंद कर दिया। चाचा ने बहुत कोशिश की कि वो दूध दे, लेकिन लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया, ना ही वो उसके चाचा का दिया हुआ कुछ खाती भी थी। लगता है तो बूढ़ी हो गई है। तुम मेरे किसी काम की नहीं, और जो मेरे किसी काम का नहीं होता उसकी मैं वो हालत करता हूँ कि वो मौत मांगने लगता है। उसने लक्ष्मी की बहुत पिटाई की, उसे डंडे से बहुत मारा। बेचारी लक्ष्मी रंभाती रही, उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। मार मार कर मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, और हाँ, तू दूध नहीं दे रही है ना, कल मैं तुझे कसाई को बेच दूंगा। लेकिन उस रात लक्ष्मी रस्सी तोड़कर भाग गई और उन बच्चियों से मिली। चाचा ने तुम्हें बहुत मारा है ना लक्ष्मी, वो बहुत बदमाश है, भगवान उन्हें नहीं छोड़ेगा। जानती है लक्ष्मी, गुंजा बहुत ही बीमार है, उसका बदन तप रहा है। अचानक लक्ष्मी जोर जोर से रंभाने लगी। लाली और पूनम ने देखा कि उसने गोबर किया है। तभी पूनम को याद आया कि कैसे माँ गोबर को पानी में मिलाकर लेप बनाती थी और बदन पर लगाती थी, जिससे बुखार उतर जाता था। उन्होंने वही किया और साथ ही अपनी आंखों की जलन के लिए भी उसका इस्तेमाल किया। ऐसा करने से गुंजा का बुखार तो उतरा ही, साथ ही उन्हें भी आंखों में राहत मिली। लक्ष्मी, अब तू आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। वो बच्चियां लक्ष्मी के साथ रहने लगी। हालांकि लक्ष्मी ने फिर से दूध देना शुरू कर दिया था, लेकिन अब वो ज्यादा दूध नहीं दे पाती थी। उन बच्चियों को जब भूख लगती तो वो गाय का दूध पी लेती, लेकिन सड़क पर रहना खतरों से भरा हुआ था और उनके पास पैसे तो थे नहीं जो वो कहीं जाकर रहती। एक रात बहुत ठंड पड़ रही थी और तीनों बहनें सड़क के किनारे ठिठुर रही थी। अचानक लक्ष्मी फिर से जोर जोर से रंभाने लगी। पूनम और लाली ने देखा कि लक्ष्मी ने फिर से ढेर सारा गोबर किया है। तब उन्हें याद आया कि दीदी, अम्मा लक्ष्मी के गोबर के उपले बनाकर भुट्टा सेका करती थी, क्यों ना हम इसके गोबर का घर बनाए। अम्मा तो कहती थी कि लक्ष्मी के गोबर से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगले दिन से उन्होंने गोबर का घर बनाना शुरू कर दिया। जल्द ही उनके गोबर का घर तैयार हो गया। लक्ष्मी ने भी अब ठीक से दूध देना शुरू कर दिया था, तो उन बच्चियों ने उसका दूध बेचना शुरू कर दिया। उस दूध से उनकी खूब कमाई होने लगी। उधर एक दिन की बात है, रात का समय था। उन बच्चियों का चाचा घर में सोया हुआ था। अचानक जोरों का भूकंप आ गया और उसका घर गिर गया। उसका चाचा उसी में दब गया। अरे, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, मैं यहाँ दब गया हूँ, अरे कोई बचाओ। दीवार के नीचे दबकर उसका चाचा तड़प तड़प कर मर गया। यही नहीं, इस भूकंप में उस दवाई दुकानदार की भी मौत हो गई जिसने उन बच्चियों की आंखों में मच्छर का स्प्रे डाला था। बहुत पुरानी कहानी है। गंगा नदी के किनारे गंगानगर नाम का एक राज्य था। गंगानगर में सेवक राम नाम का एक बहुत ही गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी का नाम बेला था। उसकी तीन बेटियां थीं, 5 साल की माला, 3 साल की गीता और 6 महीने की रानी। सेवक राम की बूढ़ी माँ भी उसके साथ ही रहती थी। एक बार की बात है, कई दिनों से जोरों की बारिश हो रही थी। बेला, आज भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर लकड़ी काटने जंगल चला भी गया तो गीली लकड़ियाँ मिलेंगी, और उन लकड़ियों को कौन खरीदेगा। पता नहीं हम लोगों की परीक्षा कब खत्म होगी। घर में खाने को एक भी दाना नहीं है। ऊपर से राजा के सैनिक अलग परेशान कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा जी। वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। इतनी बारिश में कौन आ गया। और कौन होगा, राजा के सैनिक ही होंगे। अरे, उन्हें हमारी स्थिति देखकर जरा भी दया नहीं आती। यहाँ खाने को रोटी नहीं है, हम राजा का कर कैसे देंगे। सेवक राम ने उदास मन से दरवाजा खोला।
सामने राजा धीरेंद्र वर्मन के सैनिक और महामंत्री खड़े थे। सेवक राम, कहाँ मर गए थे? इतनी देर क्यों लगी दरवाजा खोलने में? महामंत्री जी, मैंने तो तुरंत दरवाजा खोला। बहस करता है, मुझसे बहस करता है? नहीं महामंत्री जी, मैं गरीब भला आपसे क्या बहस करूँगा। कर की रकम कहाँ है? मैंने सुना 3 बार सैनिक आकर लौट गए और 3 बार तुमने लगान की रकम उन्हें नहीं दी। तुम्हें पता है ना राजा के फरमान को ना सुनने का क्या अंजाम होता है? सैनिको, मार मार कर इसके पूरे परिवार के शरीर में भूसा भर दो। सेवक राम का पूरा परिवार महामंत्री की बात सुनकर थर थर कांपने लगा। महामंत्री जी, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण मैं लकड़ियाँ काटने जंगल में नहीं जा पा रहा हूँ। अब जब लकड़ियाँ नहीं काटूंगा तो फिर लगान की रकम कहाँ से भरूंगा? मुझे ये सब बकवास मत सुनाओ और फौरन लगान की रकम लेकर आओ। कहाँ से लाऊं लगान की रकम? पिछले 3 दिनों से तो हमारा पूरा परिवार भूखा प्यासा बैठा है। सेवक राम की बातों को सुनकर महामंत्री का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने सैनिकों को आज्ञा दी कि सैनिकों, इन लोगों को इतना मारो कि ये अधभरे हो जाए और फिर इनके शरीर को गंगा नदी में फेंकाओ ताकि ये मगरमच्छों का भोजन बन सके। और हाँ, इनके घर को पूरी तरह तहस नहस कर दो। महामंत्री की आज्ञा पाकर उन बेरहम सैनिकों ने सभी को मारना शुरू कर दिया। वे सभी रोते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन उन लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ना तो उन्होंने बड़ों को छोड़ा और ना ही बच्चों को। मत मारिए, हमें मत मारिए, बाबा बहुत दर्द हो रहा है, बहुत। मार खाते खाते वे सभी बेहोश हो गए। उसके बाद महामंत्री ने अपने सैनिकों को कहा, इनके होश में आने के पहले इन्हें गंगा नदी में डालो और इनके घर को भी तोड़ दो। सैनिकों ने उन सभी को घोड़े पर लादा और गंगा नदी में फेंकाए और फिर वे सभी वहाँ से वापस लौट गए। जैसे ही उन्हें गंगा नदी में फेंका गया, मगरमच्छों की फौज उनकी तरफ बढ़ चली। एक मगरमच्छ 6 माह की सबसे छोटी बेटी रानी को अपने जबड़े में लेने ही वाला था कि तभी वहाँ पर स्वयं गंगा माँ प्रकट हो गई और उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उसके बाद उन्होंने मगरमच्छ की ओर घूर कर देखा, उनकी आंखों से ज्वाला निकली और मगरमच्छ वहाँ से भाग खड़े हुए। कौन है ये बच्ची और यहाँ कैसे आई? गंगा माँ ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया तो उन्हें सारी बातों का पता लग गया। ओह, इन लोगों के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है। यहाँ का राजा कैसा है जो अपनी प्रजा पर इस तरह जुल्म ढाता है? तभी गंगा माँ ने देखा कि और भी लोग बेहोशी की अवस्था में गंगा नदी में थे और वे सभी डूबने ही वाले थे। गंगा माँ ने उन सभी को बचाया और नदी से बाहर निकाला। आप कौन है? सेवक राम, मैं गंगा हूँ। माँ गंगा? हाँ सेवक राम, मुझे तुम लोगों पर हुए सारे जुल्म का पता लग गया है। तुम्हारा घर भी राजा के सैनिकों ने तोड़ दिया है। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? तुम लोग अब नदी में ही रहोगे। नदी में? हाँ, नदी के अंदर भी एक लोक है, जल लोक। मैं तुम लोगों को वहीं भेज रही हूँ। आज के बाद तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद गंगा माँ ने अपनी शक्ति से एक जादुई नाव प्रकट की। उस नाव पर एक विशालकाय कछुआ बैठा था। उस कछुए की शक्ल इंसानों की तरह थी। कच्छप राज, सेवक राम और इनके पूरे परिवार को जल लोक लेकर जाओ। अब ये लोग जल लोक में ही रहेंगे। गंगा माँ की आज्ञा पर कच्छप राज उन सभी को नाव में बिठाकर नदी में उतर गए और उन्हें जल लोक में ले गए। वहाँ हर रोड सोने और चांदी की विशाल चट्टानें थी। हीरे जवाहरात बड़े बड़े बक्सों में बंद थे। कितना अद्भुत लोक है ये बेला, हर ओर कितने सारे महंगे महंगे पत्थर दिखाई दे रहे हैं। वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी एक जादू सा हुआ। उन सभी के शरीर पर जितने घाव थे वे सभी भर गए। यही नहीं, उनके फटे पुराने कपड़े महंगे कपड़ों में बदल गए। माँ ये देखो, मेरे कपड़े नए से हो गए हैं। सभी अपने कपड़ों की ओर देख रहे थे तभी सेवक राम की सबसे छोटी बेटी रानी जोर जोर से रोने लगी। इसे भूख लगी होगी जी, लेकिन यहाँ दूध कैसे मिलेगा? बेला ने कच्छप राज की ओर देखा तो कच्छप राज ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जल्लोक है, यहाँ आंखें बंद कर जिस भी चीज की इच्छा की जाती है पूरी हो जाती है। बेला ने सबसे पहले अपनी बेटी के लिए दूध की इच्छा की। तुरंत ही उनके आगे एक बर्तन में दूध हाजिर हो गया। उसके बाद उन सभी ने भोजन की इच्छा जताई।
पल में ही उनके आगे तरह तरह के व्यंजन प्रकट हो गए। बेला, आज ना जाने कितने दिनों बाद पूरा परिवार भरपेट भोजन करेगा। सभी लोगों ने पेट भर कर खाना खाया। उसके बाद उन्होंने सोने की इच्छा जताई तो वहाँ पर गद्देदार पलंग प्रकट हो गए। वे सभी लोग चैन की नींद सो गए। सेवक राम का परिवार वहाँ पर खुशी से रहने तो लगा, लेकिन उन्हें कभी कभी धरती लोक की याद आती। अब छोड़ो भी बेला, क्या याद करना उस लोक को। गंगा माँ से कहकर हम यहाँ से चले भी जाए तो राजा के सैनिक तो हमें छोड़ेंगे नहीं। उधर गंगा माँ को जब कच्छप राज के जरिए ये पता लगा कि सेवक राम और उसका परिवार वैसे तो यहाँ खुशी से हैं, लेकिन कभी कभी वो अपने घर वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन राजा के सैनिकों के डर से वो जा नहीं पाते। कच्छप राज, राजा की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, उसकी प्रजा उसके लिए संतान की तरह होती है, लेकिन धीरेन्द्र वर्मन सत्ता के मद में चूर है, तभी तो वो अपने महामंत्री और सैनिकों के जरिए प्रजा पर गलत तरीके से कर का बोझ डालता है, और जो कर नहीं दे पाता उसके साथ अत्याचार करता है। हमें उस धीरेन्द्र वर्मन और उसके महामंत्री को सबक सिखाना होगा। उसके बाद गंगा मैया ने अपना उग्र रूप दिखाना शुरू किया। रात का समय था, नदी की धार राजा के महल की ओर बढ़ चली और कुछ ही देर में पूरा का पूरा महल नदी में डूबने लगा। राजा धीरेन्द्र वर्मन उस समय अपनी गर्भवती रानी के साथ शयन कक्ष में था। अचानक उनका शयन कक्ष पूरी तरह पानी से भर गया। अरे, ये हमारे महल में पानी पानी कहाँ से आ गया? राजा और रानी उसमें डूबने लगे। राजा अपने सैनिकों से बचाओ बचाओ की गुहार लगाने लगे, लेकिन उसके सैनिक तो खुद ही डूब कर पानी में बहते जा रहे थे। बचाओ बचाओ। महाराज, लगता है हम नहीं बचेंगे, और न ही बचेगा मेरी कोख में पलने वाला बच्चा। रानी जोर जोर से रोने लगी। राजा भी अपने हाथ पांव मार रहा था, लेकिन वो डूबता जा रहा था। हे भगवान, किस गलती की सजा मुझे और मेरी गर्भवती बीवी को मिल रही है। मैंने तो राजा का धर्म अच्छे से निभाया है, अपनी प्रजा की देखभाल भी ठीक से करता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? तभी वहाँ पर गंगा माँ प्रकट हो गई। आप कौन है? मैं गंगा हूँ। कौन सा राजधर्म तुमने निभाया है धीरेन्द्र वर्मन? प्रजा पर आवश्यकता से अधिक कर थोपते हो और उसकी वसूली के लिए अपने सैनिकों से जुर्म करवाते हो। ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। मैंने तो अपने महामंत्री को साफ साफ कह दिया है कि प्रजा पर अनावश्यक कर का बोझ ना डाले। रानी अभी गर्भवती है, और आपको पता है ना, विवाह के पूरे 17 साल बाद वो माँ बनने वाली है, इसलिए मुझे उनका ध्यान रखना पड़ता है, जिस कारण मैं बाहर नहीं जा पाता और राजकाज की सारी जिम्मेदारी महामंत्री पर छोड़ दी है। राजन, यही एक राजा की सबसे बड़ी भूल है। राजा ही प्रजा का पालक होता है, इसलिए उसे अपनी प्रजा पर स्वयं नजर रखनी होती है। आप स्वार्थवश सिर्फ अपनी गर्भवती पत्नी का ध्यान रख रहे थे, और इसी का लाभ महामंत्री उठा रहा था, और प्रजा में बदनामी आपकी हो रही थी। माँ गंगा की बातों को सुनकर धीरेन्द्र वर्मन को अपनी भूल का एहसास हुआ। मैं क्षमा चाहता हूँ माँ गंगा, मैं सच में स्वार्थी हो गया था। मैं केवल अपने आने वाली संतान के बारे में सोच रहा था, इसलिए महल में नहीं रहता था, लेकिन एक राजा के लिए तो उसकी पूरी प्रजा ही संतान है। माँ गंगा, मुझे क्षमा करें, मैं अपनी भूल सुधार करूंगा। गंगा मैया ने धीरेन्द्र वर्मन को माफ कर दिया। गंगा माँ वापस लौट गई। महल फिर से पहली स्थिति में आ गया। अगले दिन धीरेन्द्र वर्मन ने महामंत्री को बुलाया और कहा, हालांकि ये मेरी गलती थी कि मैंने सब आप पर छोड़ दिया, लेकिन आपने भी मेरे विश्वास का खून किया और प्रजा पर अत्याचार किए, इसका दंड आपको जरूर मिलेगा। राजा धीरेन्द्र वर्मन ने महामंत्री को सख्त कारावास की सजा दी। उसके बाद वो खुद राजकाज पर अपनी नजर रखने लगा। राज्य की बदली स्थिति के बाद सेवक राम भी परिवार समेत गंगानगर वापस लौट आया, और सभी खुशी पूर्वक वहाँ रहने लगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।